चले भाई, नए ब्लॉक की शुरुआत हो चुकी है। नए ब्लॉक की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है गर्मा गर्म चाय के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो चले भाई, और रुजा भाई जरा थोड़े इसके दर्शन कराते हैं सबको। ये देखिए 10वीं का बिजनेस मैन। हाँ भाई, क्या बात है, पैसे छाप रहा आजकल। तो भाई कभी 10वीं की कॉपी दे के मूंगफली खाता है, कभी दूध बेचता है, कभी सब्जी बेचता है। भाई क्या स्ट्रगल है यार। मान गए। ठीक है, चलो चलो, लगो लगो, निकलो निकलो। तो भाई बंदा अभी 10वीं में, लेकिन 10वीं से ऐसे ऐसे दुख देख रहा है कि मजा आ रहा है। वाह, मजा आ रहा है। तो बाकी गर्मा गर्म चाय तो पी जा रही है। और शेरों को बता तो एक बार, शेरो महाराज फर्स्ट क्लास हो रखा है। शेर भाई हाई करो जरा। हाँ, पूछ ला दिए, यानी कि हाई कर दिया। ठीक है, तो जरा मधुली और बिंदु के दर्शन भी कराते हैं आपको एक बार। हेलो गाइस, ये देखिए दोनों व्यस्त हो रहे हो भाई। हेलो। तो भाई मधुरी तो पानी पी रही है सुबह पहली बार। वाह, नहीं तो दिन में पीते 2-2.5 बजे के बाद। बाकी बिंदु भाई भी खा रहा है अपना। ठीक है पागल, ऐसा मत देख। तो कुल मिला के बात ये भाई, टन साग हो रहा है और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरे ब्लॉग को, उम्मीद ही नहीं थी यार। शायद आप लोगों के दिल में मेरी जगह बन रही और ये जगह आप हमेशा मेरे लिए ऐसी रखना यार, प्लीज़। बाकी आज एक खुशी की बात मैं आपको बता देता हूँ। आज तुम्हारे भाई के यहाँ आने वाले एक बड़े ब्लॉगर, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, पहाड़ी वाइकर यानी कि आलोक राणा, जिनको कि मैं अपना गुरु मानता हूँ, यानी कि उनको ही देख के मैंने ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत की थी, और आज वो मेरे घर आने वाले, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो देखते आज क्या क्या होता है भाई, काफी एक्साइटेड हूँ यार मैं। हाँ जी, हेलो, मुँह धुल दे। तो गाइस, इसने मुँह धुल दिया, ठीक है, तन साग सही है, चढ़ के पड़े तू भाई। इसने एक मार भी दिया, तो यानी कि इसने अपना एक गुस्सा निकाल दिया मेरे पे। ठीक है बेटा, ठीक है, ऊपर वाला है देखने वाला। तो चले गर्मा गर्म चाय पीते हो, देखते हैं क्या क्या करते हैं आज। बाकी पिताजी और आंसू तो कल से जा रखे हैं उत्तरकाशी, तो आज हो सकता है अगर समय मिला मैं और आलोक भाई भी जाएंगे यहाँ से उत्तरकाशी, पर अगर आज नहीं जा पाए तो कल तो जाने, क्योंकि कल तो मेहंदी है भाई। मेहंदी लगेगी मेरे भाई के हाथ में। तू क्या हंसनी, हंसते रहते यार मेरे से, पत्नी क्यों? बाहर वालों से क्या शर्माना साहब, अपने हंसते पहले क्या बोले पागल। माँ को कल से बुखार आ रहा है, कल माँ बांझ के लिए गई थी। तो माँ कैसे तबियत थोड़ा भी? तो यार माँ को बुखार आ रहा है, कल बांझ के लिए गई थी 13-14 किलोमीटर दूर। यानी कि कल रात माँ ने खाना भी नहीं खाया, 2 बार मेरे को गोली देनी पड़ी 2-2 घंटे बाद, लेकिन फिर भी आज सुबह उठ गए, लगे अपने काम पे, नहीं? और बोल रही कि आज चाय कुछ भी हो जाए थोड़ा मेरे को निहार लाना, यानी कि मधुरी के लिए खाने के लिए लाना, क्योंकि कल माँ भी जाएगी वहाँ। क्यों माँ? माँ को हमसे और अपने से ज़्यादा फिक्र होती है मधुरी की, क्योंकि माँ ने उसको एक बेटी की तरह पाला है, और छोटी थी वो, यानी कि बहुत छोटी थी वो, 2-3 महीने की थी तब लाया था माँ जी ने उसको यहाँ, और तब से माँ उसको पाल रही है, और आज वो लगभग नहीं भी होगी 10-15 साल की तो हो गई, और माँ पाल ही रही उसको अभी भी। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं बाजार, यानी कि कार को वॉशिंग करवाने, जिस कार को मैं देहरादून ले गया था, क्योंकि बड़े भ्राता भी जा रहे हैं आज उसको लेके देहरादून। तो यानी कि कुछ मित्र मंडली है, उनको भाई साहब कल अपने साथ लेके आएंगे, कल पेपर भी है, तो 1 बजे के बाद वो उत्तरकाशी है। भाई ये बाल्टी वहाँ दे, हाँ बजा ले। देखो भाभी जी वहाँ पे हैं, भाभी जी ने उसके बाद बाल्टी दी, मार्केट ले जा रहा था मेरे साथ बाल्टी। कैसे लड़के हो यार तुम, कसम से। तो चले जल्दी जल्दी कार को वहाँ पे धुलवाने के लिए दे देते, फिर घर आते हैं। कूड़े वाली वहाँ डालनी है, बस कर पकड़े, रुलाएगा आज। तो चले दोस्तों जल्दी जल्दी कार धुलवाते हैं जरा, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। सामने धनु जो कि इंतजार कर रही है कि मुझे जल्दी जल्दी नहलाओ, क्योंकि तुमने बहुत कबाड़ा कर रखा है, कबाड़ा इसने किया था ज्यादा। हाँ तो चलिए निकलते हैं जल्दी जल्दी, इसको ले जाता हूँ यार मैं, सही में बहुत कबाड़ी हो रही है गाड़ी आजकल। बेचारे सुख दुख में साथ आती है, और हमने इसका सुख दुख में साथ में रख रख के क्या हाल कर दिए। चल भाई बैठ, चल चल। और गाड़ी मैंने इस जगह पार कर रही थी, यहाँ पे ये भी था, यानी कि ये खोलूँगा इस पर लग रहा है। चलिए कोई नहीं, चल भाई। तो भाई कार पे जैसे ही बैठना है ना, इसके अंदर इतनी गंदी लू जमा हुई रहती ना, जैसे अंदर आते पूरे फेस पे लगती एकदम लू। अगला भाई तो बैठ ही नहीं रहा, उसको पता ही, थोड़ा आराम करता हूँ पहले तब बैठूंगा। नहीं बढ़िया, अजीब सा होता है सही में कार के अंदर, बहुत गर्मी होती है क्योंकि ऊपर से हीट पड़ रही है, तो अंदर एकदम गर्म गर्म भाप जम जाती है। तो चले अब, चलिए फिर। तो भाई धनों को ले जा रहे हैं नहलाने, जैसे हमारी सफाई जरूरी वैसे इसकी सफाई भी जरूरी है, तभी कार पे बैठने का मजा आता है। चलिए भाई, तो चले भाई, जैसे आए वैसे यहाँ पे वापस आ गए। पहले मैंने अखिल को दुकान पे भेजा, तो अखिल से उन्होंने बोला कि आज बहुत सारी बाइकें हैं, आज नहीं हो पाएगी। उसके बाद मैं गया तो मेरे से बोला कि यार मेरा तो पंप खराब हो रखा है, यानी कि जो प्रेशर पंप होता है,
कुल मिला के बात है, इसीलिए पहाड़ों में रोना होता है। एक दुकान बड़ी मुश्किल से खुलती है और हम सब लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन शहर की बात होती तो बहुत सारी दुकानें खुली हुई रहती, तो हमें इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं होती। बाकी अभी हम हाथी से कर रहे साफ, क्या कर सकते हैं, हाथी से उसको साफ कर देते हैं मोटा मोटा। बाकी कल परसों तो धुलवानी पड़ेगी क्योंकि शादी भी है। बाकी भाई बच्चे लोग अपने आशिकी का भूत कार पे उतारते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख रखा कार पे, पढ़ भी नहीं सकते हम। चलिए अखिल महाराज करिए इसको साफ, कर तो दिया है। क्या बोले यार, उनका जो लव लेटर है मोबाइल पे शायद रिचार्ज नहीं होगा तो वो कार पे लिख देते हैं। तो कोई लड़की आसपास की होगी, पढ़ लेती होगी रंत्रायबार की क्या रखा हमारे लिए। कार मतलब खड़े खड़े किसी को बेनिफिट दे रही है, रंत्रायबार का काम कर रही है, यानी कि मैसेज का काम कर रही है कार। वो जो धूल पड़ती है ना उस पर लिख रहे फर्स्ट क्लास। बाकी नीचे अपना खूबसूरत गांव, तो कार यहां पे लगाई रहती है ताकि हम वहां से देख सकते हैं ये मेरा घर है। बाकी सामने पे भाई साहब का घर है तो दोनों तरफ से गाड़ी पे नजर रख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दुश्मनाई निकालते हैं किसी भी तरीके से, तो कार को ही नुकसान दे देंगे, इसीलिए गाड़ी यहां पे रखी हुई हमने। तो चले भाई हम निकल पड़े यहां से। बाकी हाँ जी, आपने भी कभी किसी कार पे लिखा है मैसेज? लिखा मैसेज कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं तो कार किसको लिखे मैसेज। यार ये लोग इतनी इज्जतदार कैसे बन जाते हैं यार, मां कसम कुछ तो टैलेंट दे रखा भगवान इनको। इधर दिखा सकल, इसकी स्माइल से आप पता कर सकते हैं। बाकी ज्यादा किसी के दीवारे नहीं खोलने चाहिए। चलिए अब सीधे निकलते हैं घर। बाकी भाई जो पिताजी वाली वीडियो मैं अभी देख रहा हूँ, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से वो 1,00,000 क्रॉस हो चुके हैं। यानी मुझे पता ही नहीं था ये वीडियो इतनी वायरल होगी। लव यू गाइस यार, ऐसे प्यार देते रहो, मजा आ रहा है भाई, इसलिए फिर मेहनत करने का मन करता है। आप लोग ऐसे सपोर्ट करो और इस मेरे साथ साथ आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये सब आप लोगों की वजह से हुआ कि आज जो वीडियो 1,00,000 चली रही है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? हाँ भाभी जी, यहाँ भी गाय नहलाई जा रही है, वाह वाह वाह। ये और हाँ भाई, अबे पिया पर तेरा बारे भाभी, हाँ गो सेवा माँ सेवा, पर भाई पेपर बहुत जरूरी, गोड़ नहीं देना तेरे पेपर। चलिए ये आशीर्वाद के भरोसे चल रहा है, बाकी इसकी गुर्जी देख रहे तो आशीर्वाद दे देना भाई इस पे, क्योंकि गौ सेवा कर रहा है बेचारा। चलिए अच्छी बात है। और पहाड़ों में पता क्या होता है, पशुओं से काफ़ी प्रेम होता है, क्योंकि पशु ही हमारे साथ जो है ना हमारे सुख दुख में काम आते हैं। तो भाई साहब माँ को तो कल रात से बुखार आ रहा है, मैंने 2-3 बार दवाई भी दे दी लेकिन फिर भी काम पे लगी हुई है। ये देखिए माँ, अरे क्यों कर रही जब बुखार आ रहा है? अरे यार हद होगी। ये देखिए माँ सुबह से लगभग 3 भारे ला दिए माँ ने। बाकी फौजी भाई भी परसों चले जाएगा ड्यूटी, नहीं भाई फौजी, और फौजी के गाने वही लगे हैं मेरी आंखों का रतन। तो भाई समय 3:30 हो रहा है, मैं मार्केट चले गया था और दाढ़ी बाल बनाए, और अभी लग रहा हूँ थोड़ा कि हाँ भाई जवान हूँ, नहीं तो भाई बुढ़ा ही बुढ़ा बोल रहे थे सब लोग, तो भाई दाढ़ी बाल से काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो आलोक भाई लोग तो अब पहुँचने वाले, उनका फ़ोन आया कि हम पहुँचने वाले हैं, तो तब तक मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ क्योंकि बाल चुभ रहे हैं बॉडी पे। और यहाँ तो पूरी तरीके से धूप चले गई है और माँ वहाँ काम कर रही है। चले पहले रेडी होते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। चले भाई समय हो रहा है 4:15 और बाकी आलोक भाई और अमित भाई आ चुके हैं मेरे गांव के ऊपर सड़क पे। आलोक भाई ने तो इस रास्ते में 1-2 बार बाइक ला भी रखी है, लेकिन अमित भाई थोड़े नए नए हैं तो ये ना हो कि शुभ कार्य में कुछ अशुभ हो जाए। तो चले भाई फाइनली दोनों बड़े यूट्यूबर आ गए भाई, तो भाई स्वागत है पहले आपका मेरे गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी आगे कुछ एक्चुअली पता क्या, इतनी दोस्ती हो रही है कि शब्दों की कमी पड़ रही है हमारे बीच में, लेकिन चलो जो भी है बातें तो आप 2 दिन तक भरपूर चलती रहेगी भाई। क्यों अमित भाई? Yes, क्यों भाई साहब? चले चलिए, ज्यादा नहीं पकाते सीधे घर ले जाते पहले। चलिए चलिए। तो भाई डिसाइड हुआ कि आलोक भाई अपनी बाइक ले जाएंगे, बाकी अमित भाई बोल रहे कि मैं रिस्क नहीं लेता, यूट्यूब की कमाई से पहली बार बाइक ली है, तो भाई ये है कि बस बात ही सही यार, ठीक नहीं भाई ने बहुत मुश्किल से बाइक ली, मैंने इनका स्ट्रगल देख रखा है यार। क्या बोलते हो? अच्छा गाँव कैसा लगा? गाँव कैसा लगा? What a beautiful village. Yeah. पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि पहली बार आया हूँ ना यहाँ। इससे ज्यादा प्यारी मेरे को इसकी इंग्लिश लगती है। क्या करें भाई, तो चलो जो भी होगा ठीक है। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा भाई, मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। हम एक्चुअली जब केदारनाथ में भी हम लड़ रहे थे, आपने देखी होगी यार, पर मजा आ रहा था। क्यों? एक बात है दोस्तों, मतलब ये ना वीडियो में इतना देख लिया कि ये गांव ऐसा लग रहा है कि अपने ही गांव के रास्ते में जा रहा हूँ। हाँ ये सही बात है कि यूट्यूब पे जब आप किसी चीज को देखते हैं ना, वो आप उस जगह में आते हो ना, तो आपको ये एहसास नहीं होता कि हम पहली बार आ रहे हैं, ये लगता है कि रास्ता हमने देख रखा है यार, हम आ रखे हैं। क्यों भाई कैसा रहा सफर? टनसाग तो अब अमित भाई की धार धार ब्लॉगिंग देखने का मन कर रहा है, तो भाई करिए आप कैमरा ऑन। कब से? तो भाई साहब आलोक भाई घर में आए और ड्रोन ना उड़ाए, ये तो भाई हो नहीं सकता है। तो फिर से वही लोकेशन जहां पहले आए थे, और आज फिर से नए शॉट लिए जाएंगे। क्यों भाई साहब तगड़े शॉट आने चाहिए? तो ये उड़ पड़ा हमारा उड़न खटोला,
जाइए प्रभु, गांव की सैर करके आइए। तो भाई साहब यहाँ ड्रोन उड़ रहा है और शेरों को घबराहट हो रही है, इसका बीपी हाई हो चुका है। देखिए यहाँ क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों देख रहा हो उधर? इसकी नजर है ड्रोन पे। अरे नहीं देंगे तुझे कटने, टेंशन मत ले, तेरे भी शॉट आ रहे वहां। तो दोस्तों ये वही ड्रोन है जो कि रासी गांव में भेजा था आलोक भाई ने, और इसका संपर्क हट गया था। तो भाई साहब घबराहट हुई कि नहीं हुई? घबराहट तो बहुत ज्यादा हुई। सही बात, बढ़िया की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो वापस आ जाता है। और लगाओ जब हमें वीडियो को देख के मतलब टेंशन हो रही थी, तो उन पे क्या बीते हुई जिन्होंने इतनी मेहनत से ला रखा है। तो यार जैसे ही जाने की तैयारी हुई वैसी बरखा रानी आने लग गई। ये देखिए यहाँ मौसम डरा रहा है, तो आलोक भाई बोल रहे हैं कि हमने लाए बादल अपने साथ। वाह क्या शुभ कार्य क्या प्रभु। हाँ जी आप भी कुछ स्टेटमेंट दे दीजिए। वैसे शुभ माना जाता है बारिश को, पता है भाई जिनके यहाँ शादी हो रही है ना उन्हीं को बीत रही अभी, शुभ माना जाता है। बहुत शुभ हो रहा है। ठीक है ठीक है, तेरे मन सही है। तो चलिए इनका बोलना भी सही, इन्होंने भी अपनी बात फरका दी। वैसे भी चलिए देखते हैं, रुकते तो ठीक है, नहीं रुकेंगे तो रजाई पकड़ते सो जाते चुपचाप, हम क्या करें। आप देखिए यहाँ बूंदा बांदी होने लगे यहाँ भाई साहब। तो देखिए भाई दोनों भाई आए अलग अलग डब्बे लेके आए। अरे यार कसम से यार मुझे शर्म आ रही है यार, कसम से। तो दोस्तों जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा बारिश हो रही हो, थोड़ा धूप आ रही हो, इसको बोलते हैं कि सियाल की बारात। हालांकि बारात तो इंसान की, हमारे घर में मेरे बड़े भाई के, लेकिन अगर ये सियाल की बारात है तो भाई सियाल महाराज बारिश करवाना बंद कर दे। जब देव पधारते हैं तो कुछ, हाँ तो दो देव पधारे हमारे घर में तो बारिश होने लगे। वाह 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 प्रभु, तारीख खुद करनी पड़ रही है। तो चले वे फाइनली शाम की 5:30 बज चुके हैं और अब जाके बारिश रुक चुकी है, यानी कि मौसम का पता ही नहीं चला कब काला हो और कब थोड़ा ठीक हो गया। तो बाकी हमारी अब तैयारी होगी जाने की। तो चले भाई साहब, हेलो बाड़ी निकले, चलिए फिर। तो चले भाई निकलते, बिंदास सफर में 40 किलोमीटर का है। ठीक है फौजी कल मिलेंगे। ठीक है चले फाइनली आलोक भाई चल पड़े हैं। चलो भाई या बड़ी जी भी लगे हैं काम पे, बड़ा बड़ी बढ़िया। चलो चलो बड़े बड़ा बड़े जी बनाओ उधर का बड़े जी। तो चलिए भाई फाइनली चलने की तैयारी हो चुकी है। आलोक भाई की बाइक लाइट दे रही है, यानी कि डरा रही है हमको कि अंधेरा हो चुका है। तो चलिए भाई चलते सही में, चले चलो दोनों अपने अपनी बाइक से जाएंगे और बाकी मैं जाऊंगा अखिल भाई के साथ। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्यस्त्रम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वस्ति कल्याणमस्तु कुशलमस्तु तुलायनस्तु धनधान्यस्तु समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु। जावत गंगा कुरुक्षेत्री जावत। स्वागत स्वागत ठंडे।